मायावती को लेने के लिए ही मेरी ड्यूटी लगाई, तो मैं ही मायावती जी को लेकर के मायावती कांशीराम जी को मिलवाया, कांशीराम जी को मिलवाया। फिर मुझे सौभाग्य मिला मानवर कांशीराम जी के साथ में जापान जाने का। जापान में जब हम गए तो बात करते करते पत्रकार पर आ गए हैं आप। कांशीराम जी का जो मिशन था वो आज कहाँ पहुँचा? ईमानदारी से भी सवाल आपने गहरा किया, जिस सवाल से मैं दुखी हूँ। जिस सवाल से मैं दुखी हूँ तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। नहीं कुछ बोलना, देखिए ये तो आप खोद रहे हैं बाप। चंद्रशेखर में एक क्वालिटी है, उसने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा है, ये है पढ़ा है, लेकिन वोटर्स जो है आज का वो मायावती के पीछे है। अगर उत्तराधिकारी उसे बना दिया गया तो ये वोटर सब बिखर जाएगा और बहुजन समाज पार्टी के सत्यानाश हो जाएगा। जन्म हमने भी किसी कोख से पाया होगा, तुम हो यदि किसी खुदा के दौलत के औलाद तो दूध हमको भी किसी माँ ने पिलाया होगा। बसपा कार्यालय सहारनपुर में हैं हम, उत्तर प्रदेश में। श्याम सिंह तेज साहब हैं सर, आप अपना परिचय स्वयं से दे दीजिए। भाई मेरा नाम कुंवर श्याम सिंह तेज, मुझे साहब कुंवर कहते थे, कुंवर श्याम सिंह तेज मेरा नाम है। मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ और यहाँ सहारनपुर में मेरी बेटी भी आई है, और मैं बुद्ध विहार में रह करके आज की क्रांति नामक एक किताब लिख रहा हूँ, जो 500 पेज की किताब है, जो राष्ट्रीय पुस्तकालयों के लिए मैंने लिखी है, और ये कांशीराम जी के लिए मैं भेंट करूँगा, ये किताब मैं लिख रहा हूँ। और बस बहुजन समाज पार्टी के लिए कांशीराम जी के साथ ही, कांशीराम जी के साथ काम किए हैं, मिशन के लिए गाना गाते हैं, राष्ट्रीय गायक रहे हैं मिशन जी गीत। तो और अपने बारे में बताएं थोड़ा सर, और कांशीराम जी के साथ जो आप वक्त बिताएं पहले उसके बारे में बताएं, फिर हम आपके जो मिशन गीत हैं उसको भी सुनेंगे। देखिए कांशीराम जी एक वैचारिक क्रांति करना चाहते थे और उन्होंने की, और अपने ऊपर झेल कर की। उन्होंने कहा कि मुझे करना नहीं, कहना नहीं, करना है। उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दिया, घर नहीं जाऊंगा, प्रतिज्ञा की, मेरी कोई माँ नहीं, बाप नहीं, कोई मेरे रिश्तेदार नहीं, आज से मेरा समाज रिश्तेदार है, ये उन्होंने कहा। और प्रतिज्ञा करने के बाद में वो घर से निकले, निकलने के बाद में उन्होंने समाज में काम करना शुरू किया और निष्ठावान बन करके काम किया। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और गुजरात से आसाम की नागा पहाड़ियों तक उन्होंने पूरे मिशन को फैला दिया, और जब फैला दिया तो हमारे यहाँ बहन जी आई। मैं साक्षी हूँ क्योंकि जो कल्याणपुरी में बहन जी पढ़ाती थी प्राइमरी स्कूल में, तो हमारे यहाँ अम्बेडकर भवन है दिल्ली में, तो अंबेडकर भवन पे वो भाषण देने के लिए कभी कभी अंबेडकर जयंती पर आया करती थी, तो हम भी गए वहाँ। मुझे अच्छा लगा, जब अच्छा लगा तो मैंने कांशीराम जी से कहा कि एक लड़की है तो जो मिशन बहुत अच्छा काम कर सकती है, तो मैं ही लेने के लिए, मुझे मेरी ड्यूटी लगाई से लेने के लिए, मायावती को लेने के लिए ही मेरी ड्यूटी लगाई, तो मैं ही मायावती जी को लेकर के मायावती कांशीराम जी को मिलवाया, कांशीराम जी को मिलवाया। फिर मुझे सौभाग्य मिला मानवर कांशीराम जी के साथ में जापान जाने का। जापान में जब हम गए तो जापान में जापान के लोगों ने मानवर कांशीराम जी के सम्मान में एक गुड़िया भेंट की, एक गुड़िया भेंट की, और गुड़िया भेंट करने के बाद में उन्होंने कहा कि कांशीराम जी ये गुड़िया मामूली गुड़िया नहीं है। संचालक महोदय ने कहा कि ये गुड़िया मामूली गुड़िया नहीं है,
इसका महत्व है। काशीराम जी ने कहा भाई इसका महत्व क्या है कि आपके देश की महिलाएं जो है वो भारी प्रताड़ित हैं, भारी प्रताड़ित हैं, दुखित हैं, उनकी रक्षा सबसे पहले आप करेंगे। ये गुड़िया आपको इसलिए भेंट की गई है कि आपके आपने भी एक गुड़िया को रखा है, आपने भी एक गुड़िया को अपने साथ रखा है। और ये गुड़िया कौन है, ये गुड़िया कौन है जो हम दे रहे हैं? ये गुड़िया मायावती है। जापान के लोगों ने कहा ये गुड़िया जो हम भेंट कर रहे हैं ये गुड़िया गुड़िया नहीं है, ये गुड़िया मायावती है। तो मानवर कांशीराम जी ने सब कुछ छोड़ने के बाद में संकल्प लिया कि मैं इस गुड़िया को ही इस देश का वैभव सौंपना चाहता हूँ, इस देश का वैभव सौंपना चाहता हूँ। तो उन्होंने कसम खाई कि सब कुछ मैं इस गुड़िया के लिए काम करूँगा, और उन्होंने उस गुड़िया के लिए काम किया। चार चार बार मुख्यमंत्री से बना करके जापान को दिखाया। अब आप गीत गाने की एक बात कर रहे हैं, अभी एक चीज और सवाल है कि कांशीराम जी का जो मिशन था वो आज कहाँ पहुंचा? ईमानदारी से भी सवाल आपने गहरा किया, इस सवाल से मैं दुखी हूँ। जिस सवाल से मैं दुखी हूँ तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, नहीं कुछ बोलना, मैं टिप्पणी नहीं करूँगा इस पर। ठीक है, आप गाना मिशन गीत। देखिए मैं तो अब तो मेरी शरीर ही काम नहीं कर रहा है, लेकिन मैं तो कांशीराम जी के लिए मैंने दो शब्द लिखे थे कि फूल गोद में कांटों की पला करते हैं, फूल गोद में कांटों की पला करते हैं, चुनौती दे मौत को वीर चला करते हैं। यूं तो चिराग जलते हैं हर महफिल में लाखों, यूं तो चिराग जलते हैं हर महफिल में लाखों, चिराग वो है जो तूफान जला करते हैं। और मालवर कांशीराम जी ने सिद्ध करके दिखाया, उन्होंने कहा व्यवस्था को चोट दी, और व्यवस्था पे चोट करने के बाद में कहा ऐसी तो महिलाओं की हंसी शेष पर सोने वालों, ऐसी तो महिलाओं की हंसी शेष पर सोने वालों, सो चुके खूब अब ख्वाब से आंखें खोलो, हमको फुटपाथों पे रातों को सुलाने वालों, हमको फुटपाथों पे रातों को सुलाने वालों, तुम हो निशा के सहताए तुम ही बोलो, हम भी इंसान हैं जीने का हमें भी हक, हम भी इंसान हैं जीने का हमें भी हक है, जन्म हमने भी किसी कोख से पाया होगा, तुम हो यदि किसी खुदा के दौलत के औलाद तो दूध हमको भी किसी माँ ने पिलाया होगा। ये तो कांशीराम, उन्होंने कहा हमें ये समाज बदलना है, यहाँ का रिवाज बदलना है, कल परसों का समय नहीं है आज बदलना है, हमें ये समाज बदलना है, यहाँ का रिवाज बदलना है, जो दिन भर रोज कमाए कभी भर पेट न खाए, निकम्मा और निठल्ला यहाँ पर पूजा जाए, जो सब रोगों का रोग है उसे कहें बड़ा लोग है, समाज विदेश का दुश्मन मार देने के योग हो, अनगिन जिसमें रोग भरे वो रिवाज बदलना है, हमें ये समाज बदलना है, यहाँ का रिवाज बदलना है। नए नेता हैं चंद्रशेखर, उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं हम कांशीराम जी के पदचिन्ह पे हम चलते हैं। चंद्रशेखर भीम आर्मी वाले वो जानते हैं। देखिए चंद्रशेखर के बारे में मेरी चंद्रशेखर बहुत बड़ा इज्जत करता है, मेरे पैर छूता है, मुझे गुरु जी कहता है,
गुरुजी सारे मुझे लोग कहते हैं, जितने मिनिस्टर प्रिंसिपल रहे सारे मुझे गुरुजी कहते हैं, मेरे पैर छूते हैं। लेकिन चंद्रशेखर में क्वालिटी है, चंद्रशेखर में एक क्वालिटी है, उसने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा है, यह है पढ़ा है, लेकिन लेकिन व्यवस्था परिवर्तन की जहां बात आती है ये बहुत बड़ी बात है, उसे व्यवस्था परिवर्तन अभी सीखना पड़ेगा। और वो सिखाते भीम आर्मी, भीम आर्मी को यदि वो चलाते रहते तो भीम आर्मी ही आपको उसे बहुत बड़ा नेता बना दे। पार्टी बनाने के पार्टी बनाने के बाद में चंद्रशेखर डिमोलाइज हो गए, पार्टी बनाने के बाद में चंद्रशेखर जी डिमोलाइज हो गए। मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मेरे पैर छूते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन वो डिमोलाइज हो गए। और उन्होंने बने बनाए संगठन भीम आर्मी को नुकसान पहुंचा दिया, क्योंकि भीम आर्मी से ही ये पूरा जो जिसे हम मनुवादी तबका कहते वो डरता था। और भीम आदमी उसके आजाद पार्टी बनने के बाद में खत्म होते जा रहे, तो ये नुकसान हमें हुआ है। और इसका नुकसान जो वोट काटा काट रहा है आजाद पार्टी बना करके, वो हमारे वोट काट रहा है, बीएसपी को वोट काट रहा है, तो हमें बहुत बड़ा नुकसान है। हमें इसलिए नुकसान है कि हमारे खून से छिछवी एक की तरक्की हुई, बहुजन समाज पार्टी की जो नींव है हमारे खून से छिछी हुई एक ईंट है, तो हमें तो दुख होगा। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ था वो कंटिन्यू होना था या टूटना सही था? देखिए ये तो आपने मुरानो सवाल कर दिया, गठबंधन यदि चलता रहता तो आज ये नौबत न आए थे, आज हम केंद्र में होते, यहाँ की मालिक भाजपा ने होते। अगर ये गठबंधन चलता रहता सपा और बसपा का तो आज हम केंद्र में होते और माननीय कांशीराम भी प्राइम मिनिस्टर होते उस टाइम। तो ये हमारी तो भूल हुई है, मेरी तो भूल हुई है, मैं अपनी भूल मानता वैसे, हाँ अगर हमारे राष्ट्रीय नेताओं की भूल है मैं अपनी भूल मानता हूँ, ये बहुत बड़ी भूल है। आप भी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं सर जी, आप भी राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। तो मैं राष्ट्रीय स्तर पर जो काम करता हूँ तो राष्ट्रीय स्तर का नेता हूँ, जब राष्ट्रीय स्तर पर काम करता हूँ तो राष्ट्रीय नेता हूँ और राष्ट्रीय नेताओं के साथ रहता हूँ। तो आपके सवाल कीजिए। नहीं ये भूल थी, अभी जो अखिलेश यादव और बहन जी गठबंधन किए थे उसके बाद आप पुराने गठबंधन को लेकर बात, अभी अखिलेश की जो गठबंधन हुआ पिछला गठबंधन हुआ, देखिए हमारे साथ में अखिलेश जी नहीं चल पाए, हमारे साथ में अखिलेश जी नहीं चल पाए, उन्हें सत्ता का चस्का था उन्हें, तो वो सत्ता चाहते थे और सत्ता का चस्का बहन जी को भी लगा हुआ, तो ये सत्ता का चस्का जो है हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है, चाहे वो सपा का समाज हो या मेरा समाज, ये हमारी बर्बादी हो रही है। तो राजनीति का मकसद ही सत्ता होता है जी, राजनीति का मकसद ही है सत्ता हासिल करना, तो परिवर्तन हो। राजनीति का मतलब सत्ता हासिल ही करना नहीं है, कांशीराम का भी मतलब सत्ता हासिल करना था, लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद में कांशीराम का मतलब था सत्ता परिवर्तन करना, सामाजिक परिवर्तन करना, समाज को दिशा देना, समाज को आगे बढ़ाना, उनका दिशा निर्देशन था। इसमें कांशीराम में बहुत फर्क है, आज की जो राजनीति है कांशीराम की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है,
आज के दौर में जिसे अखिलेश यादव कहते हैं कि हम हर जात परशुराम की बहुत बड़ी प्रतिमा बनाएंगे, बीएसपी की तरफ से भी यही बात आती है, तो ऐसे दौर में कांशीराम जी की विचारधारा कहाँ आके टिकती है, बहुजन वाली? देखिए सर्वजन के दौर में बहुजन अब जो है, आप पत्रकारिता की बात कर रहे हैं जी, आप पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, आप बात करते करते पत्रकारिता पर आ गए हैं, आप तो पत्रकार हैं, पत्रकारिता पर आ गए हैं। नहीं सुनिए, अब मैं जवाब दे रहा हूँ आपके पास का। देखिए क्या प्रश्न था आपका, कि बिहार में हम बिहार से हैं, वहाँ लालू यादव की पार्टी जो कभी अगड़ा पिछड़ा पिछड़ों के पार्टी कही जाती थी, तो तेजस्वी यादव कहते हैं ए टू जेड की पार्टी है, मतलब हर जात की पार्टी। सेम यही चीज़ अब यूपी में देखने को मिल रहा है कि सर्वजन की पार्टी है, अखिलेश यादव भी कहते हैं कि हम परशुराम की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाएंगे, मायावती जी भी यही कहती हैं, तो अभी बहुजन कॉन्सेप्ट कहाँ है? कांशीराम जी ने कहा है कि जो नेता जो समाज अपने आप को भूल जाता है, जो नेता अपने आप को भूल जाता है और अपने पद चिन्हों को भूल जाता है तो उनका सर्वनाश होता है, ये कांशीराम का कहना है, मेरा कहना नहीं। आज ये झूठ बोल के, सत्ता की खातिर झूठ बोल के हमारे समाज पर नाश तो कर सकते हैं, नाश तो कर सकते हैं, सत्ता भी हासिल नहीं कर सकते, सत्ता भी हासिल नहीं कर सकते, समाज का नाश हो ही होगा, ये सत्ता भी हासिल नहीं कर सकते। और इसी से, इसी झूठ का सहारा लेकर के जो मनवादी शासन है, जो मनवादी शासन है, इसी झूठ का सहारा लेकर के आज टिका हुआ है, और यही कारण है उसने पूरा देश बेच दिया, इन पर कोई दम नहीं, विपक्ष में कोई दम नहीं, ये सब झूठे बेकार है, इनकी वैल्यू इतनी है, उन्हें पूरे देश को बेच दिया, विपक्ष है कहाँ आया? विपक्ष तो है, अखिलेश यादव है, बहन जी हैं, विपक्ष तो है, कांग्रेस फू के बराबर है ना, जो विपक्ष हमने पैदा किया था वो फू के बराबर हो गया, हमने विपक्ष मजबूत बनाया था, अरे इन्हें बिकाऊ मजबूत विकास बना दिया, फर्क हो गया ना, एक टिकाऊ होता है और एक बिकाऊ होता है, ये तो बहुत बड़ा फर्क हो गया। तो ये चीज है, बीएसपी को आप लोग शुरू किए, बसपा को शुरू किए आप, कांशीराम जी आप लोग मिलके, फिर बहन जी उत्तराधिकारी बने, अभी आकाश आनंद बन रहे हैं। देखिए ये तो आप खोद रहे हैं बाप, मुझे तो दो मिनट की बात के लिए बुलाया गया था, आप फाउंडर हैं इसलिए हम पूछ रहे हैं सर। मैं तो फाउंडर हूँ क्योंकि मेरे खून से सचिव बसपा है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। हाँ, क्या क्या क्वेश्चन था? कांशीराम जी शुरू किए, उत्तराधिकारी बनी बहन जी, वही बनाए, फिर बहन जी उत्तराधिकारी बना रही है आकाश आनंद। देखिए हाँ बनाएंगे, देखिए ये तो आप जो प्रश्न कर रहे हैं, अभी उत्तराधिकारी कोई नहीं बन रहा है, जो आनंद का उसका नाम आप ले रहे हैं, सतीश मिश्रा के बेटे भी हैं। अरे मेरी बातचीत अभी परसों ही, मैं परसों ही नकलों में था, तो मेरी बातचीत हुई आनंद के बेटे से ही बातचीत हुई, तो हमने कहा भाई तो तुझे बता रहे कि ये माया ये उत्तराधिकारी बना रहे कि वो हंसने लगा, आनंद भी हंसने लगा, क्योंकि आनंद को पता ना, हमने गोदी खिलाया आनंद को और उसकी किताब पढ़ने के लिए खरीद के दी हमने, तो हम जो प्रश्न करेंगे जवाब तो देना पड़ेगा से, तो हमने कहा भाई तुझे वो बना रहे कि माया, उन्होंने कहा नहीं 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 कोई बात नहीं, आपने गलत सुना, आपने गलत सुना, क्या मैंने कहा पता तो हम भी चल जाते हैं, तो ये बातें हवाइयाँ हैं, अभी फेंक जवाब नहीं मिल सकता। अगर बना दिया गया उत्तराधिकारी आकाश जी को, तो
दरअसल बात यह है कि आज जो माहौल है, वोटर्स जो है आज का, वो मायावती के पीछे है। अगर उत्तराधिकारी उसे बना दिया गया तो ये वोटर सब बिखर जाएगा और बहुजन समाज पार्टी के सत्यानाश हो जाएगा। मेरा कहना ये है, बहन जी के पीछे वोटो, उसके पीछे वोट नहीं। कुंवर साहब जो कुछ बोले बसपा को लेके, कांसीराम जी को लेके, मायावती जी को लेके, चंद्रशेखर आजाद रावण को लेके, चाहे आकाश आनंद को लेके, उस पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, बातचीत अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।